राहुल ठीक कंडीशन पे, उसकी सांसें अच्छी हैं जैसा मुझे डॉक्टर्स ने बताया है। तो हेल्थ कंडीशन में उसको कमजोरी है, पिछले 24 घंटे से टनल उस ट्यूबवेल के अंदर एक जो उसको केव जैसे बना हुआ उसके अंदर वो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है। वहाँ उसके हालात वैसे ही हैं, स्टेबल है और हेल्थ कम्प्रोमाइज है, ऑलरेडी कमजोरी है। बाकी आंखें खोल करके वो देख रहा है अपनी ओर से, चूंकि बेचारा गूंगा है तो अपने इशारे वो कर रहा है कि उसको भूख लगी है। हम अपने देशी जुगाड़ स्टाइल से कोशिश में है, चूंकि वो कैविटी से अंदर पे है, पहले जब भी हम उसको कोई भी फूड आर्टिकल्स देते थे वो बाहर निकल के उसको हाथ फैला के ले लेता था, अभी वो चीज़ नहीं कर रहा है। हम देशी जुगाड़ में कोशिश कर रहे थे दोपहर से ही कि किसी तरह उसको वहाँ पर छोड़ सकें, तो भूख उसको लगी है और वो इशारे से मांग भी रहा है। तो अभी कंडीशन उसकी ऐसी ही है, ठीक है। सर कितने घंटे वो ऑपरेशन चलेगा? सर देखिए, ऑपरेशन कभी भी ख़त्म हो सकता है और कुछ देर भी चल सकता है। मैं अभी आपके पहले बता रहा था कि जो जिस चट्टान से हमारा भी सामना हो रहा है उसका नेचर जो है सेमी ग्रेनाइट और ग्रेनाइट के बीच का है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना टफ होगा। हम वहाँ पर अलग अलग जगह पर रास्ता बना करके दाएँ बाएँ सब तरफ से उससे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, एक बहुत विशाल काय चट्टान है जो छोटी मोटी पहाड़ी जैसा है, वो मुख्य द्वार पे है और उसी पे एक केव बना है, उसी का पार्ट है जिस पे बच्चा भी बैठा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इतने बड़ी बड़ी मशीनों के चलने के बाद में भी वहाँ पे ईंट भी कोई भी वहाँ पे कंकड़ पत्थर अंदर ट्यूबवेल पे गिर नहीं रहा है। उसका कारण ये चट्टान है, तो राहुल की जीवटता और ये चट्टान उसको बचा के रखी हैं। हम चट्टान के बाकी हिस्सों को मशीनों की सहायता से, आर्मी के लोगों, NDRF के लोग, हमारे लोग, तमाम लोग इन सब की सहायता से तोड़ कर चीर कर उसमें लगे हैं। हमारे उसके बीच की दूरी मैं पहले भी कहता रहा हूँ कम है, चट्टान को थोड़ी देर में हम लोग निकाल पाएंगे ऐसी उम्मीद है। ये कवायद तेज हो गई है? नहीं, एक्शन मोड में हम शुरू से हैं। वो जो है देखिए, प्रक्रिया वन कमांड पे हैं, कमांड पे वन कमांड है और कमांड है राहुल को बचाना। आर्मी के लोगों को हमने अभी स्टैंड बाई रखा था, वो फ्रेश हैं। NDRF के लोग थोड़ा लंबे अरसे काम करते करते थोड़ा सा उनका एनर्जी लेवल डाउन हुआ होगा, तो हमने कहा आर्मी के लोग उनको टेक ओवर करेंगे। थोड़ी देर बाद जब आर्मी के जो जवान हैं वो थकेंगे तो ये टेक ओवर करेंगे। इट्स अ जॉइंट ऑपरेशन। थैंक यू।